हेलो डियर चिल्ड्रेन हाव यू ऑल आई होप यू आर हेर इन हार्टी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अ चैप्टर फुल ऑफ सस्पेंस फुल ऑफ हॉरर एंड फुल ऑफ थ्रिल फिफ्थ चैप्टर इन योर बुक्स फुट प्रिंट्स विदाउट फीट एंड द टाइटल इज ऑल्सो फुट प्रिंट्स विदाउट फीट तो बच्चों जैसा कि तुम देख पा रहे हो तुम्हारी बुक का टाइटल यही है सेम चैप्टर का टाइटल फुट प्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय एच जी वेल्स तो चलिए शुरू करते हैं विद मी पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश लेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ फुट प्रिंट्स विदाउट फीट फुट प्रिंट्स यानी कि कदमों के चिन्ह विदाउट फीट लेकिन पैर तो दिखाई ही नहीं दे रहे यानी कि व्यक्ति तो है बच्चों इनविजिबल अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पद चिन्ह जो उसके चलने के चिन्ह हैं पैरों के वो बनते जा रहे हैं तो तुम टाइटल से ही समझ गए होगे ना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और बच्चों एक्चुअली एक ये बड़ा नावल है और नॉवल लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है इसे मैं एच जी वेल्स ने ये बच्चों एक इंग्लिश राइटर है इन्होंने एक पूरा बड़ा उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन और उसी से एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे लिए कहानी के रूप में उठाया गया है जिसे कहानी पसंद आए वो नॉवल भी सर्च कर सकता है गूगल पर जाकर और पूरी कहानी का भी स्वाद ले सकता है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये होने

वो मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति खा लेना वो ड्रग अगर कोई व्यक्ति खा ले तो वो इनविजिबल बन जाएगा अदृश्य बन जाएगा इनविजिबल मीन्स कैन नॉट बी सीन जिसे आँखों से ना देखा जा सके ठीक है तो ग्रिफिन ने क्या किया वो रेयर ड्रग बनाया अपने एक साइंटिफिक तुम कह सकते हो खोज थी उसकी और उसने वो अपने ऊपर ट्राई कर लिया कि देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं और बच्चों उस ड्रग ने काम किया ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल ग्रिफिन अदृश्य हो गया उसे तभी देखा जा सकता था जब वो कपड़े पहने हुए होता था और शक्ल तो दिखती नहीं थी बच्चों की बॉडी तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी केवल बाहर से दिखाई दे रहे थे कि किसी अदृश्य सी आकृति ने कपड़े पहन रखे हैं ठीक है थीके? अब वो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कारनामे करेगा हम देखते हैं चैप्टर को पढ़ के कि ग्रिफिन अदृश्य होने के बाद इनविजिबल होने के बाद क्या क्या, क्या करता है तो चलिए शुरू करते हैं इस काफी इंटरेस्टिंग से चैप्टर को फुट विदाउट फीट कैन अ मैन बिकम इनविजिबल क्या लगता है बच्चों तुम्हें एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है क्या दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक himself विजिबल ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रिफिन की जिसने डिस्कवर कर लिया है खोज कर लिया है एक ऐसे ड्रग का जो कि व्यक्ति को इनविजिबल बना सकती है डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी अब बच्चों तुम्हें पता है ना साइंटिफिक डिस्कवरी कोई भी हो जैसे तुम एटम बम को ही लगा लो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं आदमी अच्छे कामों के लिए भी यानी कि यूज और मिस यूज भी बुरे कामों के लिए भी अब ग्रिफिन के ऊपर यह बात है कि वो उस ड्रग का यूज़ पॉजिटिवली करता है या नेगेटिव में उसका करता है। तो चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या करने वाला है ग्रिफिन द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मरी What ऑफ a barefooted man doing on मैन डूइंग ऑन a house इन द मिडल ऑफ द London? एंड द टू बॉय्राइज दो लड़कों ने सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित होते हुए एक चीज देखी और वो क्या थी Fresh, muddy imprints. फ्रेश मडी इमप्रिंट्स बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मडी यानी कि कीचड़ से सने हुए इमप्रिंट्स यानी कि मार्क्स किस चीज़ के मार्क्स है वो कीचड़ से सने हुए अ पेयर ऑफ बेअीट बेअीट मतलब बच्चों नंगे पैर नंगे पद चिन्ह थे पद चिन्ह थे कदमों के निशान थे वो भी नंगे पैर के सीढ़ियों पर क्या कर रहा था इन द मिडल ऑफ लंडन यानी कि ये कहानी है लंडन की इंग्लैंड की इंग्लैंड की राजधानी है बच्चों लंडन एंड वे वॉज द मैन और वो आदमी कहाँ है उसके पच्चीने तो दिखाई दे रहे हैं कदमों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा एज अगेस्ट अ रिमार्केबल साइट मेट दे आइज जैसे वो घूर घूर कर देख रहे थे एक रिमार्केबल मीन्स अनकॉमन असाधारण सा दृश्य उन्हें दिखाई दिया क्या अ फ्रेश मार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर कोई भी व्यक्ति नहीं है बच्चों और एक नया पद चिन्ह लग चुका है यानी कि कदमों के निशान तो बनते जा रहे हैं उसकी निशान के द्वारा लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है फॉर द फॉलोड वन वन आफ्टर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट बच्चों लगातार कदमों के चिन्ह बनते जा रहे हैं सीढ़ियों से डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन उतरते हुए और वो गली के ओर चले गए हैं द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंट एंड फेंट बच्चों लड़कों ने पीछा किया वो काफ़ी फैसिनेटेड थे अट्रैक्टिड थे उसके ओर आकर्षित थे अब तुम भी देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा ना क्या है देखे तो ज़रा तो वो दोनों लड़के ध्यान से देख रहे थे हो क्या रहा है जब जब तक देखते रहे जब तक वो कीचर से सने हुए जो इम्प्रेशन थे जो चिन्ह थे जो मार्क्स या जो निशान थे वो फेंटर एंड फेंटर लाइटर एंड लाइटर यानी कि लेस विजिबल होते गए जब वो दिखाई देना कम होते गए तब तक लगातार देखते रहे एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर और फाइनली वो निशान बिल्कुल साफ हो चुके थे गायब हो चुके थे लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़कों को कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया पैरों के निशान तो चलते हुए दिखाई दिए अब देखो तुम बच्चों ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पैरों के चिन्ह फीट, नंगे पैरों के चिन्ह तो बने हुए हैं लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ द बिविल्डर बॉयज़ हैड बिन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हुजस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट इस मिस्ट्री इस रहस्य इस सीक्रेट की व्याख्या बिल्कुल सिंपल थी बच्चों एक बिव, बिविल्डर जो बॉयज़ थे यानी कि कन्फ्यूज जो लड़के थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि वो हो क्या रहे है वहाँ पर वो फॉलो कर रहे थे पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का वैज्ञानिक का जिसने अभी अभी डिस्कवरी की है अभी अभी खोज की है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को हमारे शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी कि क्लियर पारदर्शी बनाया जा सकता है कैसे व्यक्ति बन सकता है इनविजिबल ग्रिफिन द साइंटिस्ट लो बच्चों आ गया है हमारा मेन कैरेक्टर तो ग्रिफिन है वो वैज्ञानिक जिसने एक खोज की है हैड कैरेट आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल बच्चों ग्रिफिन ना लगातार प्रयास कर रहा था एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि कैसे बनाया जा सकता है ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल अदृश्य फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास दाओ इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास बच्चों से बहुत एक्सपेरिमेंट किए बहुत प्रयोग किए अपनी ह्यूमन बॉडी को इन्विजिबल बनाने के लिए फाइनली उसने एक दुर्लभ सा ड्रग रेयर ड्रग मेडिसिन कोई बना ली और उसने वो खुद ही स्वेलो कर लिया निकल गया वो उसको और बच्चों उसकी बॉडी बन गई ट्रांसपेरेंट क्लियर पारदर्शी इतनी पारदर्शी जैसे कि एक ग्लास की शीट होती है एक पट्टी ग्लास की कांच की पट्टी देख सकते हो तुम कितनी ट्रांसपेरेंट होती है उतनी ही क्लियर उतनी ही ट्रांसपेरेंट और एक कांच जितनी ही सॉलिड उतनी ही ठोस जितना कि कांच होता है ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वॉज ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था बच्चों तुम देख ही सकते हो इतना मतलब रेयर ड्रग उसने बना लिया तो ब्रिलियंट था इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था लेकिन बच्चों मेन पॉइंट ये था ही वॉज अ लॉलेस पर्सन इस पर क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन कैसे अभी लॉ लेस क्या वर्ड हुआ पहले तो यही देखो लॉ एल ए डब्ल्यू लॉ मीन्स कानून लेस मीन्स रहित कानून से रहित यानी कि डिस टू लॉ वो कानून के नियमों का या कानून का पालन नहीं करता था यानी वो अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे बच्चों ग्रिफिन के बारे में वो कुछ गलत बातें करेगा जो नहीं करनी चाहिए जो कानून के खिलाफ है और एक क्वेश्चन पक्का याद करना तुम ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन गिव रीजन कैसे था ग्रिफिन लॉलेस पर्सन अब तो, अभी तुम्हें पता चलेगा पूरे चैप्टर में हमें यही बताया गया है ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन वो किराए पर रहता था ना लैंड लोर्ड यानी कि मालिक जो था उस घर का वो नापसंद करता था ग्रिफिन को और वो चाहता था कि ग्रीफिन को जल्दी से जल्दी यहाँ से इजेक्ट कर, कर दिया जाए उसके उसको निकाल दिया जाए घर से इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बींगी है तो फिर उसने पता है क्या किया बदला लेने के लिए रिवेंज लेने ले के लिए उसने उसके घर को ही आग लगा दी ग्रिफिन ने अब घर को आग लगा दी लेकिन वहाँ से उसे भागना था कि कोई उसे देख ना पाए ताकि उसका नाम ना आए तो उसने क्या किया अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए सारे कपड़े निकाल दिए क्योंकि उसकी बॉडी इनविजिबल थी लेकिन कपड़े अगर वो पहन लेता तो बॉडी का आकार दिखाई देता था बच्चों ठीक है तो इसलिए अब वो बन गया है बच्चों होमलेस वॉन्डरर होमलेस होम से रहित घर से रहित तो उसके पास कोई घर नहीं है क्योंकि जहां वो रहता था उसने उसी को आग लगा दिया एंड वॉन्डरर वॉन्डर का मीन्स होता है बच्चों अ पर्सन हु मूव्स हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पज इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के तो बच्चों वो बन गया अब होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोज ना तो उसके पास कपड़े थे विदाउट मनी ना पैसे थे एंड क्वाइट इनविजिबल और वो बिल्कुल अदृश्य हो चुका था ही हीपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट एज ही वॉक तब तक वो इनविजिबल था जब तक बच्चों उसका एक पैर कीचड़ के अंदर नहीं गिरा था क्योंकि कीचड़ के अंदर पैर गिरने के बाद उसके फुट प्रिंट्स के निशान बन गए थे जो वो दो लड़के देख रहे थे यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे चलते हैं देखिए बच्चों ग्रिफिन वॉज एस पर्सन सबसे पहला उसने कानून क्या तोड़ा उसने लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा दी एस्केप्ड इजिल इनफ फ्राम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन अब बच्चों वो लड़के पीछा तो कर रहे थे लेकिन किसका पीछा करेंगे अदृश्य आदमी थोड़ा दिखाई दिखाई थोड़ा दे रहा था वो तो वो तो भाग गया उन लड़कों से वो बच गया बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर लेकिन उसके कारनामें अभी खत्म नहीं हुए बच्चों ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोज लेकिन उससे ना गलत समय चुन लिया था लंडन की गलियों के अंदर घूमने के लिए उस समय क्यों गलत था इट वॉज मिड विंटर वो समय बच्चों बहुत ज़्यादा सर्दी थी सर्दियों का मध्य था बहुत सर्दी गिर रही थी बहुत सर्दी थी द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी बच्चों और बिना क्लोज के उसका काम चल नहीं सकता था और क्लोव पहनेगा तो ये प्रॉब्लम कि उसकी बॉडी विजिबल हो जाएगी अब क्लोज भी नहीं पहन सकता उसे ठंड भी लग रही थी इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वाम्थ बच्चों अब उसने आइडिया आया उसके दिमाग में कि इधर उधर गलियों में घूमने से अच्छा है कि एक लंडन स्टोर है एक लंडन के अंदर स्टोर है वहां उसको वॉम्थ मिल जाएगी उषमा मिल जाएगी तो वो बिग लंडन स्टोर के अंदर चला जाएगा और वहां पर उषमा लेगा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उसका कपड़े भी मिल जाएंगे उसको उसमें क्लोजिंग टाइम अराइव एज सुन एज द डोर्स शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फिटिंग हिमसेल्फ विदाउट उसने, -फट तो उसने खूब सारा खाना खाया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस खर्चा तो उसका होने वाला नहीं था क्योंकि उसे उसे चुरा रहा था वो, किसी को नहीं पता था वो उसके अंदर वो इनविजिबल था तो खर्चा कुछ होने वाला नहीं था उसने पूरा इंजॉय किया वहां पर क्या क्या किया देखते हैं ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लोथ बच्चों सबसे पहले उसने गर्म के बॉक्सेस को खोला और कपड़े गर्म पहन लिए सून विद शूज एंड ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैड फिर बच्चों उसने पहन लिए शूज जूते ओवर कोट ओवर कोट क्या होता है बच्चों घुटनों तक का कोट होता है ना लंबा लंबा उसको बोलते हैं ओवर कोट और फिर पहन लिए बच्चों उसने ओवरकोट और उसके बाद व्हाइट ब्रिम्ड हैट एक चौड़े घेरे वाली हैट ठीक है गोल गोल जो हैट होती है मैं दिखाऊंगी तुम्हें आगे कैसी हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन अब बच्चों उसने पूरे कपड़े पहन लिए थे अब वो दिखाई दे रहा था ध्यान करो उसकी आकृति दिखाई दे रही थी उसका खुद का मुंह शरीर ये दिखाई नहीं दे रहा था बस एक आकृति थी जो कपड़ों में लग रहा था कि कोई आदमी है इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी बच्चों उस रेस्टोरेंट के किचन में वो चला गया वहां पर उसे ठंडा मांस मिल गया कॉफी उसने पी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन और फिर बाद में उसने मिठाई खाई और वाइन भी पी टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर जो वो किराने की दुकान से उसने ली थी फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स और फाइनली वो सो गया क्विल्ट होती है बच्चों रजाई यानी कि गरम-गरम सी रजाई के अंदर जाकर वो सो गया देखो बच्चों इस तरह का वो दिख रहा था उसने सब कुछ पहन लिया था ओवरकोट पहन लिया था और हैट वगैरह लगा ली थी इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट बीन वेल एज इट वॉज ही डिट पिकटिल दसिस्टेंट्स वलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों ग्रिफिन अगर सुबह जल्दी उठता तो वहाँ से भागने के उसके चांसेस थे वो अच्छे समय में वहाँ से निकल लेता लेकिन वो नहीं उठा वो सो ही रहा था लगातार जब तक कि उस वहाँ के असिस्टेंट आ गए वहाँ पर काम करने वाले लोग अगली सुबह आ गए वेन ई सो अ कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टूरन जैसे उसने देखा कि दो असिस्टेंट उसकी ओर भर रहे हैं तो वो वहाँ से भागा दर गया वो द नेचुरली गेव चेज उन्होंने पीछा भी किया उन दोनों असिस्टेंट्स ने इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ इज न्यूली फाउंड क्लोज बच्चों आखिरी में वो पता है कैसे भाग पाया एस्केप मीन्स भाग जाना देखो इस तरह से उसने धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार फेंके क्योंकि कपड़े जब तक उसके ऊपर थे ना तभी तक वो दिख पा रहा था कपड़े निकालते तो वो अदृश्य हो जाता था किसी को पता ही नहीं था तो उसने एक एक करके बच्चों अपने सारे कपड़े निकाल दिए सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर तो बच्चों

और जो खाली स्पेस आ गया है उसके शोल्डर्स के ऊपर उसके कंधों के ऊपर यानी कि जो उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा है ना उसको ढकने के लिए भी वहां पर सामान मिल जाएगा नाटक कंपनी के अंदर शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड बच्चों वो ठंड से कांप रहा था और फिर वो ड्यूरी लेन गया वहीं पर थिएटर वर्ल्ड था, था वहीं पर नाटक के सामान सारे मिलते थे ही सोन फाउंड सुटेबल शॉप तुरंत ही उसको एक सही सी शॉप दुकान मिल गई ही मेड हिज वे इनविजिबल बच्चों वो अभी भी इनविजिबल था अपस्टेयरस एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड बच्चों वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गया और वहाँ पर थोड़ी देर में वापस आया उसने पता है क्या किया बच्चों उसने बैंडेजेस यानी कि पट्टियां लगा ली अपने चेहरे के ऊपर ठीक है अब उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था कपड़ों से उसका शरीर दिख रहा था तो उसने चेहरे को पट्टियों से बांध लिया ताकि उसके चेहरे की आकृति भी दिख रही थी डार्क ग्लासेस काले रंग के चश्मे लगा लिए बच्चों फॉल्स नोज नकली नाक लगा ली ताकि वो नाक का आकार हो जाए बिग बुशी साइड विस्कर्स और बच्चों बड़ी सी डाढ़ी तुम कह सकते हो गलमुच्छे साइड विस्कर्स भी उसने लगा लिए एंड अ लार्ज हैट और एक बड़ी सी हैट वही गोल वाली हैट भी उसने लगा ली टू एस्केप विदाउट बींग सीन ही केलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉप्ट हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड बच्चों भागने के लिए उसने क्या किया बिना दिखे जो शॉप कीपर था दुकान का मालिक था उस पर कैलेसली मीन्स निर्दता से विदाउट मर्सी बिना दया के उस पर अटैक कर दिया देखो एक और उसने गलत काम किया जिससे प्रूव होता है वो लॉलेस पर्सन है और बच्चों उसने उस पर अटैक भी किया और उसकी सारे पैसे भी चुरा लिए और वहाँ से वो भाग गया अब देखो बच्चों कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था हमारा ग्रिफिन हेड पहन ली बैंडेजेस लगा ली और काला सा चश्मा लगा लिया ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन took a ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग वे ही बुक टू रूम्स एट अ लोकल इन अब बच्चों वो लंदन से बाहर जाना चाहता था लंदन में तो बहुत भीड़ है तुम्हें पता है तो उसने सोचा कहीं एकांत जगह में जाकर रहूं तो उसने ट्रेन पकड़ी और वो एक विलेज में चला गया गांव में चला गया गांव का नाम था आईपिंग एक नंबर में पूछा जा सकता है आप याद रखें आईपिंग और वहाँ पर लोकल इन एक वहीं की लोकल इन आई डबल इन क्या होता है बच्चों धर्मशाला या सराय ठीक है तो एक धर्मशाला में कमरा दो कमरे बुक करा लिए उसने द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट अब बच्चों वहां पर ना इनके अंदर धर्मशाला के अंदर विलेज के अंदर कोई सर्दियों में नहीं आता था वहां पर कोई लोग आते थे तो गर्मियों में आते थे घूमने के लिए तो बड़ा अजीब लगा अनयूजअल इवेंट थी अनयूजअल मीन्स अनकॉमन असाधारण सी घटना थी ये कि कोई सर्दियों के दिनों में इनके अंदर रहने के लिए आया है अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस से बच्चों वहाँ पर लोग जो थे ना गांव वाले उनकी टंग्स वैगिंग वैगिंग का मतलब होता है हिलाना यानी कि उनकी टंग्स हिलने लगी जबान हिलने लगी मीन्स वो बातें करने लगे चर्चा करने लगे कौन अजनबी आया है स्ट्रेंजर आया है अजीब सा मिसिज हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बच्चों वहाँ पर जो उस इनका लैंड लॉर्ड था स्वामी था उस धर्मशाला का उसकी वाइफ का नाम था मिसेस हॉल ठीक है मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल तो मिसेस हॉल जो थी वो उसे काफी दोस्ताना व्यवहार से बात कर रही थी वो जानना चाह रही थी ग्रिफिन के बारे में बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग टू आई थिंक इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड सोलिट्यूड मीन्स एकांत आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई प्लेस लेकिन ग्रिफिन तो बच्चों से बात करना ही नहीं चाह रहा था तुम्हें तो पता है वो बात भी कैसे करे वो तो खुद छुप छुप कर घूम रहा है उसने

ही हैड पेड हर इन एडवांस मिसिज होल वॉज प्रिपेयरड टू एक्सक्यूज हिस् स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरीटेबल टेम्पर बच्चों मिसिज होल का जो गेस्ट है यानी कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट आया है उसने सोच लिया मिसिज होल ने कि ये एकट्रिक एक, एक, एक साइंटिस्ट है यानी कि एक विम्जिकल कह सकते हो तुम सन की सन की वैज्ञानिक है और अब उसको खुशी क्या हुई थी मिसिज होल को कि उसने पहले ही एडवांस पे कर दिया था पैसे पहले ही दे दिए थे इसलिए उसने उसकी अजीब आदतों और इरिटेबल टेमपर इरिटेबल टेम्पर मीनस चिड़चिड़े स्वभाव को डिसरिगार्ड किया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया बट द दनी डी डॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड हैड टू एडमिट दैट ही नो मोर कैश ही ही प्रिटेंडेड दैट एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी हीट बच्चों लेकिन चुराए हुए पैसे कितने दिनों तक चलेंगे उसके पैसे भी खत्म हो गए अब उसके पास उस पैसे नहीं थे अब ग्रिफिन ने कहा उसके पास कैश नहीं है लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया ऐसा दिखावा किया कि उसका चेक आने वाला है शहर से कि जल्दी ही चेक आ जाएगा मेरा और मैं पेमेंट कर दूंगा अब देखो बच्चों आईपिंग लोकल इन जिसमें ग्रिफिन रहने गया था और बच्चों ये देखिए, मिसेज हॉल जो काफी फ्रेंडली होना चाह रही थी ग्रिफिन से लेकिन ग्रिफिन ने फटाफट दो बातों में अपना जवाब दे दिया और उससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं की शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड बच्चों उसके थोड़ी ही देर बाद एक क्यूरियस विचित्र स्ट्रेंज एपिसोड आया ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ तो तुम ध्यान से सुनो कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ अवेकन बाय द नॉइज इन द स्टडी एक बार क्या हुआ बच्चों सुबह काफी अर्ली मॉर्निंग थी काफी सुबह थी मतलब चार पांच बजे होंगे लगा लो तुम अ क्लर्जी क्लर्जी क्लर्जीमन क्या होता है बच्चों प्रीस्ट पादरी जो चर्च के अंदर पादरी होता है ना वो और उसकी पत्नी उठ गए क्योंकि उनके स्टडी रूम के अंदर जहाँ पर उनकी किताबें वगैरह रखी थी वहाँ पर से ना कुछ आवाज़ें आ रही थी क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी नीचे उतरते हुए उनको चिंक ऑफ मनी साउंड ऑफ की आवाज आई जैसे सिक्के होते हैं ना बहुत सारे अगर आप उनको उनकी जो खनक की आवाज होती है वो आई चिंक ऑफ मनी हैजेक फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेक्स ऐसे लगा जिसने क्लर्जी मैन के डेस्क से वो कोई सिक्के निकाल रहा हो पैसे निकाल रहा हो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विदर ग्रैप्स फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर बच्चों बिना कोई आवाज किए

डेस्क हैड है हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग बच्चों अमेजमेंट उनको आश्चर्य हुआ सरप्राइज हुआ कि रूम में तो कोई भी नहीं था रूम तो एम्प्टी था खाली था अब उस क्लर्जीमैन ने और उसकी वाइफ ने बच्चों देखा डेस्क के नीचे देख लिया नहीं था कोई करटेन्स यानी कि पर्दों के पीछे देखा कुछ नहीं था चिमनी जहां से धुआं बाहर जाता ना चिमनी वहां भी देखा कोई नहीं था वहां पर किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दिया लेकिन फिर भी डेस्क खुला हुआ था और जो उन्होंने घर के पैसे रख रखे थे वो गायब थे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जीमन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे पूरे दिन वो बेचारा कहता रहा मेरे घर में तो हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर अफेयर मींस मैटर विचित्र बात हो गई मेरे घर में तो पैसे भी चोरी हो गए और कोई दिखाई भी नहीं दिया बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचित्र नहीं था जितना विचित्र था मिसेस होल के फर्नीचर का व्यवहार फर्नीचर क्या होता है बेटा फर्नीचर चेयर सोफा कुर्सी ये सब नहीं होते है जो पर रखते हैं टेबल ये सब फर्नीचर कहलाता है तो फर्नीचर क्या व्यवहार करेगा बच्चों उसी दिन सुबह पहले तो हुआ क्लर्जीमैन के घर में कुछ और फिर फर्नीचर मिसेज होल के फर्नीचर के साथ कुछ हुआ क्या हुआ चलो देखते हैं बड़ा क्यूरियस एपिसोड है ये भी द लैंड लोर्ड एंड इज वाइफ वेरी अर्ली एंड वॉज सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन बच्चों लैंड यानी कि मिस्टर होल मिसेज होल सुबह जल्दी उठ गए और बड़े आश्चर्यचकित हुए कि साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन का जो दरवाजा था कमरे का वो खुला हुआ था

सो नो बडी एंडाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कोई भी नहीं था अंदर और उन्हें सोचा चलो इन्वेस्टिगेट किया जाए सर्च आउट किया जाए खोज की जाए अंदर क्या क्या है आखिरी है बेड क्लोज फॉर कोल्ड जो बेड था बच्चों वो ठंडा था यानी कि साइंटिस्ट काफी देर से अपने बेड में नहीं था क्योंकि सर्दियों में आपको पता ना जब काफी देर से बेड में होते हैं गर्म गर्म हो जाता है बिस्तर तो बिस्तर तो बिल्कुल ठंडा था जो दिखा रहा था कि साइंटिस्ट बेड में नहीं था काफी देर से देंजर स्टिल द क्लोज एंड बैंडेज डेट ही ऑलवेज वो वो लाइंग अबाउट द रूम और ना केवल साइंटिस्ट नहीं था बच्चों बल्कि जो वो सामान हमेशा पहना करता था उसके कपड़े और उसकी पट्टियाँ वो भी वहीं पर कमरे में ही पड़ी थी यानी कि साइंटिस्ट नहीं था लेकिन उसका सारा सामान कमरे में ही था ऑल ऑफ अडन मिसिज होल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर अचानक से बच्चों मिसिज होल को अपने कान के पास स्निफ सुनाई दी स्निफ क्या होता है साउंड ऑफ ब्रीदिंग ठीक है इस तरह की आवाज जब पापा सांस लेते हैं तो आती है उसको अपने कान के पास सुनाई दी जैसे कोई खड़ा है ऐसा कुछ लगा अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट अप एंड डैश इट सेल्फ इन हर फेस और बच्चों फिर अचानक क्या हुआ जो हैट थी जो बेड पोस्ट पर रखी हुई थी बेड पोस्ट क्या होता है बेड के पाए जो होते हैं ना उनको कहते हैं बेड पोस्ट वो अचानक से उछली और टकराई डैश मतलब टकराई उसके चेहरे पर आकर मिस होल के चेहरे पर हैट आकर टकराई अपने आप कोई फेंकने वाला दिखाई नहीं दे रहा था देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव बच्चों फिर उस बेडरूम की चेयर अलाइव हो गई उसमें जान आ गई वो हिलने लगी स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार लेग्स फॉरमोस्ट वो बच्चों चेयर हवा में उछली स्प्रिंगिंग मतलब उछलना और फिर बच्चों स्ट्रेट मिसिज हॉल की ओर गई उसकी लेग्स की ओर उसने मतलब चेयर का निशाना था मिसेज हॉल की लेग्स उसके पैरों पर जाकर वो लगी एशियन हर हसबेंड टर्न अवे इन टैरर द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम बच्चों वो और उसके हस्बैंड डर गए टेरर पैनिक बहुत डर लग रहा था उनको तुम्हें भी लगेगा फर्नीचर अपने आप हवा में उछलेगा तो लगेगा ना डर अजीब सा हो रहा था एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम और बच्चों और फिर चेयर ने एक्स्ट्रॉडनरी क्यों वो आम तो चेयर थी नहीं वो तो हवा में उछल रही थी उसने उन दोनों को बाहर कर दिया देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम और फिर बच्चों एक बहुत तेज से स्लैम स्लैम मतलब धड़ाम की आवाज़ आई गेट बंद होने की और लॉक हो गया कमरा अपने आप कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन स्टेयर्स इन हिस्टिरिक्स बच्चों मिसेज हॉल को तो बेहोशी के चक्कर से आने लग गए सीढ़ियों के ऊपर। स्पिरिट्स उसे विश्वास हो गया इस कमरे में तो भूत प्रेत हैं आत्माएं हैं स्पिरिट्स हैं भूतहा हो गया है उसका ये कमरा एंड दैट द स्ट्रेंजर है इन टू हर फर्नीचर और इसको करने वाला कौन है भूतहा करने वाला है वो ग्रिफिन साइंटिस्ट उसने ही पक्का कुछ ना कुछ किया है तभी फर्नीचर के अंदर भी जान आ गई है वो अपने आप काम करने लगे हैं माय पुअ मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोंट टू थिंक इट शी ड्राइज अप अगेंस्ट मी नाउ बच्चों बिचाई ने रोते रोते कहा माय पुअ मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर मेरी बेचारी माँ बैठती थी उस चेयर के ऊपर उस चेयर ने मुझ पर आक्रमण किया वो चेयर मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई हे भगवान इस तरह से बेचारी वो रोने लगी द फीलिंग अमंग द द नेबर्स ट्रबल अमंगस जो नेबर्स को बच्चों पड़ोसी थे उनका मानना था कि कुछ जादू टोने की घटना हुई है मैजिक मैजिकल थिंग विच क्राफ्ट होता है बच्चों जादू टोना बट विच क्राफ्ट और नोट वेन द न्यूज ऑफ द बर्गली एट द क्लर्जी मैन होम बिकेम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट बच्चों पता नहीं जादू टोना था कि नहीं लेकिन जैसे ही न्यूज आई बर्गलरी की चोरी की क्लर्जी मैन के पादरी के घर में जो चोरी हुई थी सबका ध्यान गया सबका सस्पेक्ट सबका शक गया उसी साइंटिस्ट की ओर कि पक्का चोरी में साइंटिस्ट ग्रिफिन का ही हाथ है सस्पिशन टू इवन स्ट्रॉन्गर वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश दाव ही हैड एडमिटेड दैट नोट नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी और बच्चों शक की सुई उस पर यूं भी घूमी कि उसने तुरंत ही कैश दे दिया अभी तक तो वो कह रहा था मेरा चेक आएगा मेरे पास कैश नहीं है लेकिन तुरंत ही पैसे कैसे आ गए उसके पास तो शक की सुई घूम गई साइंटिस्ट ग्रिफिन के ऊपर कि पक्का चोरी में इसी का हाथ है द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीरेटली सेंट फोर इंस्टेड ऑफ़ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिज हॉल वेट टू द साइंटिस्ट हुड सम हाउ मिस्टीरियसली अपियर फ्रॉम हज एम्पटी बेडरूम बच्चों जो गाँव का कॉन्स्टेबल था सिपाही था उसको चुपचाप गुपचुप रूप से भेजा गया ताकि वो पकड़ ले ग्रिफिन साइंटिस्ट को लेकिन उसके आने से पहले मिसिज हॉल चले गई साइंटिस्ट के पास और जो साइंटिस्ट था वो मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से खाली बेडरूम में अपने आप ही पहुँच गया अभी तक तो वो था नहीं गेट अपने आप बंद हो गया था लेकिन अब उसने गेट को खोला यानि कि वो अंदर ही था देखो बच्चों अब मिसेस हॉल पहुंच चुकी है साइंटिस्ट से बात करने के लिए खुद ही आई want टू नो what यू हैव been डूइंग टू my चेयर upstairs, she शी डिमांडेड एंड आई to टू नो it इज यू केम आउट ऑफ एन empty रूम एंड हाउ यू entered अ locked रूम बच्चों उसने कहा मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर जो थी वो क्या कर रही थी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर अपने आप वो कैसे चल रही थी और एक खाली बेडरूम के अंदर तुम अपने आप कैसे आ गए वो बेडरूम तो अंदर से लॉक था तुम उसके अंदर कैसे पहुंच गए ये सब पूछ रही बच्चों मैसेज हॉल ग्रिफिन से साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेंड बच्चों में ही रहता है यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वहीउट इट वेरी वेल आई विल शो यू तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं तुम समझ नहीं सकती मैं क्या हूं कोई बात नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूं अब बच्चों ने क्या किया सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस

उट सर बच्चो कॉन्स्टेबल जो सिपाही था वो आ गया है उनका नाम है मिस्टर जैफर और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका तो सर ही नहीं है बट जैफर्स वॉज नॉट इजिलीवेंटेड फ्रॉम डूंग हिज ड्यूटी इफ अ मजिस्ट्रेट वॉरेंट ऑर्डर अस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हैड लेकिन बच्चों जेफर्स बहुत ही कर्तव्य वाला कर्तव्य निष्ठा वाला व्यक्ति था उसे अपनी ड्यूटी करने से कोई रोक नहीं सकता था तो मजिस्ट्रेट यानी कि जज के ऑर्डर थे कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो वो व्यक्ति अरेस्ट जरूर होगा चाहे उसका सिर हो चाहे सर ना हो देखो बच्चों इस तरह से उसने अपने बैंडेजेस उतार के फेंक दिए एक मिनट के अंदर और यह है मिस्टर जेफर्स जो उसको पकड़ने के लिए आए हैं मिस्टर जेफर्स इज क्वाइट सरप्राइज टू सी ए हेडलेस मैन दे हर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ए थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर बच्चों बड़ा ही रिमार्केबल अनकॉमन सीन था अद्भुत

फ्रॉम नोवेयर कुछ लोगों ने मिस्टर जैफर्स की मदद भी की उस व्यक्ति को पकड़ने में लेकिन उन्हें ब्लो यानी कि गुस्से लग रहे थे कहीं कहीं से पता ही नहीं चल रहा था कौन गुस्से उनको मार रहा था इन द एंड जैफर्स वॉज नॉट अनकियस एज ही मेड लास्ट अटेम्प टू होर्ड ऑन टू अन बच्चों बेचारे अनकॉन्शियस पेंट हो गए बेहोश हो गए जब उन्होंने अपना अंतिम प्रयास किया उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जिसे देखा नहीं जा सकता था दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियस्ट सेट एंड डन बच्चों लोग चिल्ला रहे थे नर्वस होके होल्ड हिम पकड़ो उसे पकड़ो उसे लेकिन कहना आसान था करना मुश्किल क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था ग्रिफिन हैड शेकन हिम सेल फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम्स ग्रिफिन बच्चों अपने आप को ग्रिफिन ने फ्री कर लिया था किसी को नहीं पता था पकड़े कहाँ से क्योंकि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था ग्रिफिन बिकेम इन विजिबल एंड ड्रेन फ्रॉम द प्लेस बच्चों ग्रिफिन हो गया था इनविजिबल अदृश्य और वो वहाँ से भाग गया था तो बच्चों ये देखो अधूरी कहानी है तुम्हें लग रहा है ना अधूरी है आगे भी कुछ होगा तो एक्चुअली पूरा नॉवल है जो मैंने बताया एच जी वेल्स का द इनविजिबल मैन उसका एक पार्ट तुम्हारे लिए यहां पर लिया गया था जिसको कहानी पसंद आई हो उसकी समरी या गूगल पे सर्च कर सकता है द इनविजिबल मैन बाय एच जी वेल्स तो ये है बच्चों हमारे ग्रिफिन द साइंटिस्ट जिन्होंने जो कि बहुत लॉलेस पर्सन है ठीक है ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पेपर में आता है